बाकी जो लोग होते हैं आसपास वाले घर वाले। डीपीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल तबी जी लेकर आए हैं ऑनलाइन क्लासेस फ्रॉम प्री नर्सरी टू क्लास 12th। 50% डिस्काउंट ऑन गर्ल्स फीस। ऑनलाइन एडमिशन ओपन, विजिट dpsajmer.in। आप लोगों के पास जो जानकारी है उसके बाद अब तक अभी पांच मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है, जिसमें चार मरीज JLN में भर्ती हैं और एक मरीज अभी ब्यावर में है। जो चार मरीज हैं वो एक तो कमला बावड़ी निवासी हैं, एक पन्नीग्रान चौक निवासी हैं और एक सुंदर विलास निवासी महिला हैं। जो चौथा मरीज़ है वो हमारे पास अभी थोड़ी देर पहले ही किशनगढ़ से रेफ़र होकर आया है। वो मरीज़ थोड़ा सीरियस है। वहाँ जब डॉक्टर साहब ने उनको सैंपल लिया था तो सैंपल लेने की रिपोर्ट आई नहीं उससे पहले ही, चूँकि वो सीरियस ज़्यादा था इसलिए यहाँ भेजा। जैसे ही मरीज़ आया उसकी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आ गई तो हमने उसे पॉजिटिव वार्ड में शिफ्ट कर लिया है। उनको किडनी की भी काफ़ी तकलीफ़ है, ऐसे मरीज़ हम सीरियस मानते हैं। हालांकि उम्र कम है लेकिन फिर भी मरीज़ सीरियस हैं। जो अभी हमारे पास कोरोना पॉजिटिव वार्ड में मरीज़ भर्ती हैं वो टोटल 33 हैं, 33 उसमें से 5 मरीज़ हमारे अभी भी ऑक्सीजन पर हैं। उनमें से एक मरीज़ जो मैं बता रहा हूँ किशनगढ़ वाले श्रीमान हैं। और सस्पेक्ट वार्ड में हमारे पास अभी 34 मरीज़ भर्ती हैं। सस्पेक्ट वार्ड में ज़्यादा पेशेंट हमारे ILI के या जिनको हम सारी बोलते हैं वो नहीं हैं। मोस्टली पेशेंट सस्पेक्ट वार्ड में वो हैं जिनके के ऑपरेशन होने ड्यू हैं। लेकिन उसमें से भी जैसे हमने पिछले दिनों हमारा एक्सपीरियंस रहा है, कुछ लोग पॉजिटिव आते हैं वो भी हम तैयार हैं उनकी सेवा करने के लिए, अगर पॉजिटिव आते हैं तो भी, नहीं आते हैं तो भी। और बाकी हमारी सारी व्यवस्थाएँ ठीक हैं। ICU के जो स्टाफ में एक पॉजिटिव आया था उसको, वो मरीज़ हमारा स्थिर है, वो भी ठीक हैं। और बाकी मरीज़ भी हमारे सब ठीक हैं, इन 5 मरीज़ जो उनके ऑक्सीजन के अलावा।